हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदिति's किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूं, पम्पकिन सूप की रेसिपी। ये जो सूप है ये आपका वजन कम करने में बहुत ही मदद करेगा और आप किसी भी डाइट प्लान में इसको ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी फर्क दिखाई देगा अपने वजन में। आप एक दिन में 1 से 2 किलो तक घटा सकते हैं इसको लेने के बाद। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का बटन है इसे दबा दीजिए। इसके बाद छोटा सा बेल आइकन दिखाई देगा इसे भी दबा दीजिए, इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी सब्जियां हमें चाहिए। 250 ग्राम तकरीबन मैंने यहाँ पे पम्पकिन लिया है, इसे सीताफल या कद्दू भी कहते हैं, इसको इस तरह से काट लिया है। 4 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं और ये मैंने इस तरह से काट लिए हैं। और 7-8 आप लहसुन की क्लोव्स ले लीजिए और 1 आप यहाँ पे हरी मिर्च ले लीजिए। तो ये हमें सब्जियां चाहिए, ये देखिए। अब हम इन्हें किसी सॉस पैन में डाल देंगे, ये जो सॉस पैन मैंने लिया है डाल देंगे। यहाँ पे हमें सब्जियों को उबालना है, आप चाहें तो कुकर में भी 4 सीटियां लगवा सकते हैं। इसमें सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं, अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। तो यहाँ पे 1.5 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। तो यहाँ पे मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ढक के पकने देंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो सब्जियाँ आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, ये देखिए। इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पकी है या नहीं। तो ये देखिए हमारा पम्पकिन जो है वो अच्छे से पक गया है। इन्हें ठंडा करेंगे और इन्हें पीस लेंगे सारी सब्जियों को। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां सारी पीस ली हैं और सेम पैन में मैं ये डाल दूंगी, ये देखिए। जो सब्जियां थी वो मैंने पीस ली थी, लेकिन जो पानी था वो मैंने अलग छान लिया था, तो वो जो पानी है वो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। हमें ये पानी फेंकना नहीं है, इसी में डालना है, ये देखिए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अगर आपको अभी भी गाढ़ा लगता है तो थोड़ा पानी और ऐड कर लें, क्योंकि सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पिया जाता, थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल 1 पिंच तकरीबन डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है 1। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये देखिए, चिली फ्लेक्स। और मैं इसके अंदर डाल दूंगी ओरिगेनो। ये दोनों टेस्ट को तो बढ़ाते ही हैं, साथ वजन कम करने में भी सहायक होते हैं और एक बोरिंग से सूप को एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सूप है बनकर तैयार ही है, बस 5-10 मिनट ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे पकाना है। वेट कम करने वालों के लिए ये जो सब्जी है वो बहुत बढ़िया है, ये पम्पकिन, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है और हमारी चर्बी को जलाता है, फैट को बर्न करता है। तो ये बहुत बढ़िया सूप है। और इसके अंदर टमाटर है, जो टमाटर इसके अंदर डालते हैं उससे क्या होता है, जब हम इसे खाते हैं तो हमारी भूख को भी कम करता है। और गार्लिक जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो ये आप देख सकते हैं सूप बनकर तैयार है, बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा टमाटर और पम्पकिन का सूप बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी भी है। ताज़ा बना कर ही हमें इसे लेना है, ये नहीं कि फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक यूज़ करना है। और हाँ, सुबह बना के रख सकते हैं फ्रिज में, पूरा दिन इसको गर्म करके आप पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी ले सकते हैं। हाँ, दिन में 2 से 3 बार कभी भी आप इसे ले सकते हैं, किसी भी डाइट प्लान में आप इसको शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप सिर्फ इसे ही लेंगे, रोटी चावल सब बंद कर देंगे, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और 15 मिनट आप वॉक कीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी, कोई जिम नहीं जाना, ये सूप लेके भी आप वजन कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई टॉपिक या रेसिपी के साथ। बाय बाय।